सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 लोगों से जुड़े थे और सबको भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिया है। सरकारी नौकरी के ये नियुक्ति पत्र शनिवार 28 अक्टूबर 2023 यानी कि आज रोजगार मेला के तहत दिए गए। पीएम मोदी ने इस मौके पर नियुक्ति पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित रोजगार मेला हमारे युवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। हमारी सरकार युवा के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना रहे हैं। इससे लोगों के भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बढ़ रहा है। हमने न केवल भर्ती प्रक्रिया को संरेखित किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को पुनर्गठित भी किया है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती में काल समय को आधा कम कर दिया गया है। एसएससी की परीक्षाएं अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ली जाती हैं। इससे उनको भी अवसर मिलता है जिन्होंने भाषा की कठिनाई का सामना किया था। गौर हो कि पीएमओ की ओर से पहले ही सिलसिले में जानकारी दे दी गई थी कि पीएम मोदी शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। पीएम मोदी युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। आपको बता दें कि महीने भर पहले यानी 26 सितंबर को भी पीएम मोदी की ओर से इतने ही नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया था जिसमें युवाओं या फिर नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र देने के लिए सीएम मोदी वर्चुअल तरीके से सबके साथ जुड़े थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नव नियुक्त लोगों से देश में रोजगार की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। केंद्र सरकार के इस रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों के करीब युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। बता दें कि 28 अगस्त तक 8 रोजगार मेला के तहत कुल 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। वहीं 26 सितंबर तक 6 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले की शुरुआत की थी। रोजगार मेले के जरिए सरकार का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। नव नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी डिवाइस सीखने के लिए 680 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है।